Hello students welcome to one day law revision module 5 the protection of children from sexual offences pocso act 2012 let's quickly go through the synopsis first here we will cover the history objective and scope of the act sexual offences under against children section 3 to section 12 using children for mm -hmm. pornographic purposes section 13 to section 15 abatement of an attempt to commit an offence section 16 to 18 procedure for reporting cases section 19 to 23 procedure for recording statement of the child section 24 to 27 special court procedure and power of special court and recording of evidence section 28 to 32 and procedure and powers are given in section 33 to 38 Punishments under the Act. So let's get started. Overview or history we can say the POSCO Act 2012 was enacted when they felt a need of it when the sexual abuse against the children was rising. So this may essay provisions hai, which are against which are regarding the protection of children from sexual assault, pornography. तो so, जो ये सेक्सुअल अब्यूज़ होता है नॉर्मली वेर इट इज अकर्ड इन द स्कूल्स रिलीजियस प्लेसेस पार्क हॉस्टल्स एंड द सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन इज़ नॉट गारंटिड एनी तो जो एमर्जिंग डेंजर है इन कंसीडरिंग दैट एक लॉ बनाया गया पॉस्को एक्ट जिसमें टाइप्स ऑफ उफ ऑफेंसेस वे कवर्ड नंबर ऑफ ऑफेंस वे कवर्ड और उससे रिलेटेड पनिशमेंट्स दी गई है एक्ट का काम है कि एक रोबर्ट जस्टिस मैकेनिज्म बनाना फॉर द विक्टिम्स ऑफ सेक्शुअल अब्यूज़ और क्या हाईलाइट किया गया है द सिग्निफिकेंस ऑफ चाइल्ड राइट एंड सेफ्टी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज चाइल्ड राइट एंड देयर सेफ्टी तो एक्ट में क्या है द पनिशमेंट्स फॉर नॉन पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असोल्ट एंड एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असल्ट एक्ट का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 हम इसको बोलेंगे पॉक्सो 2012 एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड इट केम इन टू फोर्स ऑन फोटीन नवम्बर टू लॉन्ग टाइटल क्या है एक्ट का काम है टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्शुअल असोल्ट Sexual harassment and pornography, and provide the establishment of special court for speedy trials of the offenses and matters connected thereto. Now, what is sexual assault? You can say form of sexual violence, or, or you can say inappropriate touch, etc. And sexual harassment is unwelcomed behavior. Madlab, ka behavior. द नेक्स्ट इज नीड ऑफ द पॉक्सो एक्ट टू थाउजेंड ट्वेल्व पॉक्सो एक्ट टू थाउजेंड ट्वेल्व के पहले पूरे इंडिया में एक ही कानून था जहाँ पे चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन या उनके राइट्स के लिए रूल्स बनाए गए थे और वो था गोवा चिल्ड्रन्स एक्ट 2003 और उसके रूल्स 2004। आईपीसी में कुछ सेक्शंस थे रिगार्डिंग सेक्सुअल अब्यूज जैसे कि सेक्शन 375 सेवेंटी फाइव रेप थ्री टॉक्स अबाउट असोल्ट अगेंस्ट वुमेन और 377 बात करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन सेम जेंडर तो ऐसे कुछ प्रोविजंस बनाए गए थे जिससे सेक्सुअल अजोल्ट को रोका जा सके बट देर वॉज नो पर्टिकुलर एक्ट ऑल्सो मोडेस्टी या अन ऑफेंस का कोई डेफिनेशन नहीं था इस कोड में तो कंसिडरिंग द रिक्वायरमेंट आई मीन ओविंग टू द लैक ऑफ एनी स्पेसिफिक लेगिस्लेशन की कोई एक्ट ही नहीं था वो सबको नजर रखते हुए कंसिडरिंग द ग्रोइंग इंक्रीज इन चाइल्ड अब्यूज केसेस विद दी एफर्ट्स ऑफ मल्टीफेरियस एन जी ओज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पॉस्को एक्ट टू थाउजेंड ट्वेल्व एन्फोर्समेंट में आया फोर्टीन नवंबर टू थाउजेंड ट्वेल्व को हाँ तो फोर्टीन नवंबर टू थाउजेंड ट्वेल्व को पॉक्सो एक्ट आ गया फिर ऑफ चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूजेस सेक्शन थ्री बात करता है पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असोल्ट की अंडर दी पॉक्सो एक्ट और सेक्शन फोर में उससे रिलेटेड पनिशमेंट्स मैंशन की गई है और ये पनिशमेंट्स को और स्ट्रिंजेंट बनाया गया बाय द अमेंडमेंट इन 2019 अब यहाँ पे एक केस है बंडू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2017 थाउजेंड सेवेंटीन यहाँ पे एक पर्सन पे चार्जेस लगे थे अंडर सेक्शन फोर सेक्शन सिक्स ऑफ पॉक्सो एक्ट अलोंग विद प्रोविजंस ऑफ आईपीसी कमिटिंग पेनीट्रेटिव सेक्शुअल असोल्ट ऑन अ फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज टेन ईयर ओल्ड गर्ल फिर एक और केस लॉ है प्रनिल गुप्ता वर्सेज स्टेट ऑफ सिक्किम यहाँ पर जो विक्टिम थी वो पंद्रह साल का एक छोटी बच्ची थी जो कि एक अक्यूज के साथ रहती थी और उस एक्ूज ने उस पर पेनीट्रेटिव सेक्शुअल असोल्ट किए और ये इंजूरीज उसके रिपोर्ट्स uh, में मेंशन की गई थी तो हाई कोर्ट ने स्टेटमेंट में क्या बोला था हाई कोर्ट में अक्यूज ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अक्यूज हैज ओपन हर क्लोज एंड रेप हर फाइव टाइम्स इन वन नाइट तो हाई कोर्ट उस स्टेटमेंट पर रिलाई करता है द कंटेंशन ऑफ द अक्यूज वॉज दैट ही वॉज नॉट अवेयर दैट द विक्टिम इज माइनर तो ये कंटेंशन को कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया और अक्यूज के अगेंस्ट सेक्शन थ्री में प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ और उसको फिर पनिशमेंट मिली अंडर सेक्शन फोर ऑफ द एक्ट एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असल्ट मतलब मोर सीरियस वन एग्रीवेटेड मतलब मोर सीरियस यहाँ पे अगेन एक एग्जाम्पल uh, दिया गया है हाँ तो पहले तो सेक्शन फाइव डील करता है अग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असल्ट और सेक्शन सिक्स में उसके पनिशमेंट्स दिए हैं अगर कोई पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असल्ट हो रहा है किसी चाइल्ड पे और वो कर कौन रहा है द अक्यूज्ड इज़ अ पुलिस ऑफिसर एंड इट इज़ बीन डन इन द पुलिस स्टेशन बाय आर्म्ड फोर्सेज विद इन द लिमिट्स ऑफ देर एरिया बाय अ पब्लिक सर्वेंट और बाय द स्टाफ और जेल हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो फिर हम उसको एग्रीवेटेड पेनीट्रेटिव सेक्शुअल असल्ट ट्रीट करेंगे एंड पनिशमेंट विल बी गिवन एज पर सेक्शन सिक्स तो ये जो सेक्शन फोर हो गया सेक्शन सिक्स हो गया जो पनिशमेंट्स है ये सब हमने सेपरेटली कवर किए हैं एक टेबल फॉर्मेट में तो वो सब एक साथ बताऊंगी ताकि तुमको इजीली याद रहे फिर सेक्शुअल असल्ट सेक्शन सेवन डिफाइन करता है सेक्शुअल असल्ट और एट में और ट्वेल्व में पनिशमेंट्स दी गई है तो अगर कोई भी इंसान इनअप्रोप्रेटली किसी इंसान को टच करता है या उसे तो, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को टच करने पे फोर्स करता है या किसी तरीके का फिजिकल कांटेक्ट में वो उसे इन्वॉल्व करता है तो हम उसे सेक्सुअल असल्ट मानेंगे इन शुभांकर सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल विक्टिम के मेडिकल एग्जामिनेशन से पता गया पता चला था कि कोई पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असल्ट नहीं हुआ पर उसके बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स थे स्क्रैचेस थे नॉट स्ट्रेच मार्क्स स्क्रैचेस थे मतलब uh, उससे समझा कि फोर्स वॉज यूज ऑन अ बॉडी तो फिर उसको सेक्शन एट और सेक्शन ट्वेल्व के अंदर पनिश किया गया एग्रीवेटेड मतलब मोर सीरियस वन तो सेक्शन नाइन डील्स विद एग्रीटेड सेक्शुअल टेन टॉक्स अबाउट द पनिशमेंट इन द केस ऑफ सोफियान वर्सेज स्टेट टू थाउजेंड सेवेंटीन अक्यूज हु वॉज प्लांट ऑपरेटर इन द स्विमिंग पूल एरिया वॉट हे डिड ही सेक्चुअली असल्टेड अ गर्ल ऑफ एट ईयर ओल्ड When she was wearing a swimming costume, he tried to enter in the changing room and uh, touched her inappropriately. So in that case, Delhi High Court ne bola ki the argument of the accused is uh, was rejected and then he was uh, punished under Section 10 of the POXO Act. E-Sexual Harassment Section 11 defines sexual harassment. इट इंक्लूड सिक्स केसेस तो फर्स्ट केस क्या है इफ़ एनी वन अटर्स एनी वर्ड या ऐसा कोई साउंड करता है या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट एक्जिबिट करता है विद सेक्शुअल इंटेंशन टू अ चाइल्ड सेकेंडली इफ ई मेक्स अ चाइल्ड एग्जिबिट्स हिस्स बॉडी थर्ड इफ ई मेक्स अ चाइल्ड शो इफ ई मेक्स अ चाइल्ड सी पोनोग्राफिक पर्पजेज और यूज द चाइल्ड इफ ही कॉन्स्टेंटली वॉचेज और स्टॉक्स अ चाइल्ड डिरेक्टली और ऑनलाइन इफ इ थ्रिटर्नस अ चाइल्ड Or makes him involved in any sexual act through electronic film or digital way, or if he entices a child for pornographic purpose, then all these six cases will be considered as sexual harassment as per section 11, and the punishment is section number 12 of POCSO Act. Then using child for pornographic purpose. सेक्शन थर्टीन बोलता है कि अगर कोई इंसान किसी चाइल्ड को फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज यूज़ करता है आई द बाय रिप्रेजेंटिंग रिप्रजेंटिंग सेक्शुअल ऑर्गन और यूजिंग द चाइल्ड इन रियल और उसको रिकॉर्ड करता है देन ही इज कंसिडर्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन थर्टीन और उसको पनिशमेंट मिलेंगी एज पर सेक्शन फोर्टीन एंड फिफ्टीन अगेन ये पनिशमेंट्स हमने लास्ट टेबल में कवर किए हैं इन द केस ऑफ फातिमा ए एस वर्सेज स्टेट ऑफ केरला एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे मदर खुद की बॉडी को पेंट कर रही थी अलॉन्ग विथ टू माइनर चिल्ड्रन्स तो फिर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इनिशियल ईयर्स में बच्चे वही सीखते हैं जो माँ करती है और उस चीज का एक लास्टिंग इम्प्रेशन रहता है वो बच्चों के माइंड पे तो इट इज़ यूजुअली सेड दैट क्या बोलते हैं ये मदर ही मतलब विंडो है कि चिल्ड्रन वर्ल्ड को कैसे देखते हैं तो इसलिए वो चीज़ को सेक्शन थर्टीन में कवर किया गया था अबेटमेंट ऑफ चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज मतलब बढ़ावा देना टू एनकरेज सेक्शन सिक्सटीन डिफाइन करता है अबेटमेंट ऑफ द ऑफेंस तो कुछ एक्ट्स दिए हैं जिसको हम अबेटमेंट ऑफ दाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज मानेंगे uh, किसी इंसान को इंस्टिगेट करना टू कमिट द ऑफेंस किसी को बढ़ावा देना एंगेजिंग इन एनी कॉन्सपिरेंसी विथ वन और मोर पीपल टू कमिट द ऑफेंस वेन एनी इलीगल एक्ट और कमीशन टेक्स प्लेस इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट कॉन्स्परेंसी एडिंग टू कमिट दैट ऑफेंस इंटेंशनली जान बुझ के करना या जान बुझ के बढ़ावा देना या जान बुझ के किसी ग्रुप के साथ कॉन्स्पिरीसी बना के ऐसे ऑफेंस कमिट करना तो दे आर पनिशेबल अंडर सेक्शन सेवनटीन ऑफ पॉक्सो एक्ट अटेम्प्ट टू चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज अब पहला हो गया अबेटमेंट मतलब एनकरेज करना बढ़ावा देना और सेक्शन एटीन है अटेम्प्ट करना तो उस केस में पनिशमेंट क्या है Imprisonment मिलेगा टू दर्म एक्सटेंडिंग अपर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट विदाउट किए गए हैं अंडर सेक्शन एटीन प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग केसेस सेक्शन नाइनटीन अगर कोई भी पर्सन एनी पर्सन इज़ लाइकली टू बी कमिटेड और हैज़ नॉलेज कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है अगर किसी भी पर्सन को पता चला है कि कोई ऑफेंस होने वाला है इंक्लूडिंग द चाइल्ड या उसके पास कोई नॉलेज है कि ऑफेंस हो गया है तो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा टू द स्पेशल जुविलियन पुलिस यूनिट और द लोकल पुलिस और उसको जो रिपोर्ट है अंडर सबसेक्शन वन शाल बी एस्क्रिप्ट बाय एंट्री नंबर और शुड बी इन राइटिंग बी रीडेबल एंड शैल बी एंटर्ड इन द बुक केप्ड बाई द पुलिस यूनिट और जो रिपोर्ट है अगर वो कोई चाइल्ड दे रहा है तो वो एक सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाएंगी ताकि वो चाइल्ड को भी वो समझे अगर वो रिपोर्ट ऐसी लैंग्वेज में है कि वो बच्चे को नहीं समझ रही तो समझ रही है तो फिर इन केस में एक ट्रांसलेटर या इंटरेप्टर जो कि जिसके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस है उसको फीस दे के अपॉइंट किया जाएगा सो so दैट कि चाइल्ड को समझे कि क्या है उस रिपोर्ट में अगर आ, जब स्पेशल जुविलियन ऑफ पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस सेटिस्फाई हो जाता है कि चाइल्ड जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है इज़ इन नीड ऑफ़ केयर एंड प्रोटेक्शन तो बाय रिकॉर्डिंग द रीजंस इन राइटिंग वो इमीडिएट अरेंजमेंट करेगा उसकी केयर के लिए प्रोटेक्शन के लिए और उसको चाइल्ड को शेल्टर होम या नियरेस्ट हॉस्पिटल में विद इन ट्वेंटी आवर्स ऑफ द रिपोर्ट उसको शिफ्ट किया जाएगा तो जो स्पेशल पुलिस यूनिट है या लोकल पुलिस है वो बिना किसी डिले के 24 फोर आवर्स के अंदर वो रिपोर्ट को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या और स्पेशल कोर्ट को और जहाँ पे स्पेशल कोर्ट नहीं है वहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन को वो उस रिपोर्ट को भेज देंगे और नेसेसरी स्टेप्स लेंगे अब यहाँ पे कोई भी पर्सन कोई लाइबिलिटी इनकर नहीं करेगा वेदर क्रिमिनल और सिविनल इन गिविंग द इन्फॉर्मेशन इन गुड फेथ फॉर द पर्पज़ ऑफ सबसे वन सेक्शन ट्वेंटी ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया स्टूडियो एंड फोटोग्राफिक फैसिलिटीज टू रिपोर्ट केसेस कोई भी मीडिया का इंसान या होटल का लॉज का हॉस्पिटल क्लब स्टूडियो का या कोई फोनोग्राफिक फैसिलिटी का उसका जो भी नाम है अगर उसको कुछ पता चलता है इफ़ ई कम्स अक्रॉस एनी मटीरियल और ऑब्जेक्ट विच इज सेक्शुअली एक्सप्लोइेटिव ऑफ द चाइल्ड तो वो क्या करेगा थ्रू द यूज ऑफ़ एनी मीडियम वो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा स्पेशल पुलिस यूनिट को या फिर लोकल पुलिस यूनिट को सेक्शन ट्वेंटी वन पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड अ केस अगर कोई पर्सन रिपोर्ट रिकॉर्ड करने में फेल हो जाता है और वो फेल्स टू रिकॉर्ड सच ऑफेंस अंडर सबसे नाइनटीन मतलब ये अगर इसमें या इसमें नाइनटीन वन में या नाइनटीन टू में अगर कोई पर्सन रिपोर्ट रिकॉर्ड करने में फेल हो जाता है तो फिर उस केस में उनको उसको इम्प्रिजनमेंट है विच में एक्सटेंड अप टू सिक्स मंथ्स प्लस उसको फाइन है एनी पर्सन बींग इन चार्ज ऑफ एनी कंपनी और इंस्टीट्यूशन हु फेल्स टू रिपोर्ट द कमीशन ऑफ ऑफेंस अंडर सब सेक्शन ऑफ सबसे ही शैल बी बीश पनिश्ड विद्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म विच में एक्सटेंड टू वन ईयर प्लस फाइन अ पर्सन इन चार्ज बाकी लोगों के लिए सिक्स मंथ्स है इसके लिए वन ईयर है पे सब सेक्शन वन की प्रोविजन चाइल्ड को अप्लाई नहीं होती है मतलब इट्स फॉर माइनर इट्स फॉर मेजर मेजर पर्सन के लिए ये सेक्शन पनिशमेंट फॉर फॉल्स कम्पलेन और फॉल्स इंफॉर्मेशन कोई भी इंसान जो फॉल्स कंप्लेन करता है या फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस कमिटेड अंडर सेक्शन थ्री फाइव सेवन नाइन तो फिर विद द इंटेंशन टू ह्यूमिलेट समवन एक्सटॉर्ड समवन या थ्रिटर्न समवन या किसी की बदनामी करने के लिए तो उसको जेल है विच में एक्सटेंड टू सिक्स मंथस प्लस उसको फाइन है या बोथ अगर वो फॉल्स इंफॉर्मेशन किसी चाइल्ड ने प्रोवाइड किए तो नो पनिशमेंट और बिना मतलब हू इज नॉट अ चाइल्डर एंड ही मेक्स अ फॉल्स कंप्लीन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट अ चाइल्ड नोइंगजनमेंट अप टू वन ईयर मतलब जो इंसान बच्चा नहीं है मेजर है पन वो किसी माइनर के अगेंस्ट कंप्लेन कर रहा है किसी चाइल्ड के अगेंस्ट कर रहा है तो फिर वहां पे पनिशमेंट और छह महीने से बढ़ जाती है मेजर कंप्लेनिंग अबाउट मेजर सिक्स मंथ्स प्लस फाइन चाइल्ड कंप्लेनिंग नो पनिशमेंट और अगर मेजर कोई झूठी इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वन ईयर प्लस फाइन ये फॉल्स कंप्लेन या फॉल्स इंफॉर्मेशन का सेक्शन है प्रोसीजर फॉर मीडिया कोई भी मीडिया का पर्सन कोई ऐसी रिपोर्ट बनाएगा नहीं या ऐसे मीडिया में उसको प्रेजेंट नहीं करेगा जिसके वजह से उस बच्चे की रेप्यूटेशन ख़राब हो या उसकी प्राइवेसी को तुम इफ़ेक्ट कर रहे हो अगर मीडिया कुछ रिपोर्ट भी कर रही तो उस बच्चे का नाम वो इंक्लूड नहीं कर सकती उसका एड्रेस फोटोग्राफ फैमिली डिटेल्स ये सब डिस्क्लोज करने का राइट मीडिया के पास नहीं है प्रोवाइडेड दैट अगर रीजन्स हैं उनके पास विच आर रिकॉर्डेड इन राइटिंग और अगर स्पेशल कोर्ट को सही लगता है तो स्पेशल कोर्ट ऐसे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए परमिशन दे सकती है जो भी मीडिया uh, का पब्लिशर है या ओनर है दे विल भी ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर द एक्ट एंड ओमिशन ऑफ हिज एम्प्लॉय जो भी पर्सन सेक्शन ट्वेंटी थ्री सबसेक्शन वन या टू प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन करता है उसको पनिशमेंट है इम्रिजनमेंट विच शॉट बी लेस मंथ और विच में एक्सटेंड टू वन ईयर प्लस सेक्शन ट्वेंटी फोर प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड तो जो बच्चे का स्टेटमेंट है दैट इज टू बी रिकॉर्डेड एट द रेसिडेंट ऑफ द चाइल्ड उसके घर में रिकॉर्ड होगा एट द प्लेस वेरी यूजली रेसाइट्स जहां वो रहता है या किसी उसकी चॉइस की प्लेस पे और एंड एज फार एज प्रैक्टिकेबल बाय अ वुमेन पुलिस एक फीमेल पुलिस रिकॉर्ड करेगी नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर जो पुलिस ऑफिसर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है यूनिफॉर्म द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन शेल एग्जाम द चाइल्ड इन्श्योर दैट एट नो पॉइंट ऑफ टाइम द चाइल्ड कम इन द कॉन्टेक्ट इन एनी वे विद द अक्यूज कि जब रिपोर्ट बन रहा है तो उस टाइम भी चाइल्ड अक्यूज के कॉन्टेक्ट में नहीं आए किसी भी चाइल्ड को रात में पुलिस स्टेशन में रुकाया नहीं जा सकता फॉर एनी रीजन पुलिस ऑफिसर का काम है कि वो इंश्योर करे कि जो चाइल्ड की आइडेंटिटी है वो प्रोटेक्ट की जाए फ्रॉम द पब्लिक मीडिया अनलेस अदरवाइज डिरेक्टेड बाई द स्पेशल कोर्ट और उसके लिए उनके पास रीजन होने चाहिए इन राइटिंग स्पेशल कोर्स स्पेशल कोर्ट अगर उसे सही लगे तो परमिशन देता है सेक्शन रिकॉर्डिंग ऑफ ऑफ स्टेटमेंट अ चाइल्ड बाय मैजिस्ट्रेट अगर बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है अंडर सेक्शन वन सिक्सटी फोर ऑफ सी आर पी सी तो मैजिस्ट्रेट वो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करता है और फिर मैजिस्ट्रेट क्या करेगा उस स्टेटमेंट की कॉपी चाइल्ड उसके पेरेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव को देगा एज पर सेक्शन टू जीरो सेवन ऑफ द कोड सेक्शन ट्वेंटी सिक्स एडिशनल प्रोविजन्स रिगार्डिंग स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड द मैजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर शेल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट एज स्पोकन बाई द चाइल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड और एनी अदर पर्सन इन होम द चाइल्ड हैज ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस मतलब स्टेटमेंट किसके सामने रिकॉर्ड होगा उसके पेरेंट्स के गार्डियन की है जिसपे भी वो बच्चे को भरोसा है मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर क्या करेगा मे टेक द असिस्टेंस ऑफ अ ट्रांसलेटर और इंटरप्रिटर हैविंग क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस उसके हेल्प से वो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा अगर उस चाइल्ड का कोई मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी है तो दूसरे स्पेशल एजुकेटर का हेल्प लेके या किसी फैमिली और पर्सन का हेल्प लेके जिसके पास रिलेवेंट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है फीस देके हम उसकी हेल्प से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर इंश्योर करेगा कि जो स्टेटमेंट है वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में भी रिकॉर्ड किया जा रहा है सेक्शन ट्वेंटी सेवन मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड शैल नॉट विद स्टैंडिंग अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब एफ आई आर कंप्लेट हैज नॉट बिन रजिस्टर्ड फॉर दी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट बी कंडक्टेड इन अकॉर्डिंग एफ आई आर के मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा अगर गर्ल चाइल्ड है तो एग्जामिनेशन वुमेन डॉक्टर करेगी मेडिकल एग्जामिनेशन उसके पेरेंट्स के सामने या जिसपे वो बच्चे का ट्रस्ट कॉन्फिडेंस है उसके सामने किया जाएगा अगर उसके पेरेंट्स या जो भी पर्सन उसको ट्रस्ट है कॉन्फिडेंस है वो प्रेजेंट नहीं है ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन नॉमिनेटेड एक लेडी को नॉमिनेट करके बाय द हेड ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन स्पेशल कोर्ट सेक्शन 28 ऑफ स्पेशल कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफिशियल गेजेट में नोटिफिकेशन दे के हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशल कोर्ट अपॉइंट कर सकता है टू ट्राई दफेंसेस अंडर द एक्ट बर्डन ऑफ प्रूफ अंडर दब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का प्रोसिक्यूशन टू प्रूव सर्टन थिंग्स बाई इंट्रोड्यूसिंग प्रिजम्पन्स सेक्शन ट्वेंटी थर्टी क्या करते हैं प्रोविजन विध रिस्पेक्ट टू बर्डन ऑफ प्रूफ ट्वेंटी क्या बोलता है किसी भी पर्सन ने जिसने कोई ऑफेंस किया है अंडर द रिलेडिंग टू चाइल्ड अब्यूज तो फिर उस केस में हम प्रिज्यूम करेंगे कि उस इंसान की गलती है अब बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन दूज टू प्रूव हिज गिल सेक्शन थर्टी टू स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकती है एवरी स्पेशल कोर्ट में फॉर कंडक्टिंग द केसेस और वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होगा एनी एडवोकेट प्रैक्टिस ऑफ नॉट लेस देन सेवन ईयर सेवन ईयर्स या उससे ज्यादा का उसका प्रैक्टिस होना चाहिए वही इंसान स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता है ट्रायल ऑफ ऑफेंसिस अंडर पॉक्सो एक्ट ये कवर होता है अंडर सेक्शन थर्टी थ्री टू थर्टी एट फॉलोइंग आर सम ग्लैरिंग फीचर्स डिपोजिशन ऑफ द विक्टिम सेक्शन थर्टी थ्री बोलता है कि स्पेशल कोर्ट कैन टेक कॉम्बिजन ऑफ ऑफेंस Without the accused being committed to the trial, bina trial ke, uska cognizance special court le sakta hai. section thirty six mentions that child should not be exposed to the accused while giving the statement or at the time of taking evidence. बट ये प्रोविजंस वासुदेव वी वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में फॉलो नहीं किया गया था द, जब डिपोजिशन शीट बन रहा था तब विक्टिम के सामने अक्यूज भी था और जब वो इमोशनल होने लगी वाइल नरेटिंग द स्टोरी तब अक्यूज को बाहर भेजा गया तो उस केस में कर्नाटक हाई हाईकोर्ट ने क्या बोला था अपील को डिसमिस किया था कि यहाँ पे अक्यूज तो, मतलब जो केस था जहाँ पे अक्यूज वॉज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन फोर तो कर्नाटका ने वो केस को Uh, जो वो अपील को डिसमिस किया ऑन द रीजन दैट कि एट द टाइम ऑफ गिविंग एविडेंस उस चाइल्ड के सामने अक्यूज प्रेजेंट था टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ केस बच्चे के एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए टाइम लिमिट है थर्टी डेज और ट्रायल कंप्लीट करने के लिए इट इज वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस शुभम विलास ताइडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र उसमें स्पेशल कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन को एविडेंस रिकॉर्ड करने दिया था आफ्टर थर्टी डेज ऑफ टेकिंग कॉन्ग्निजेंस तो ये ऑर्डर को चैलेंज किया गया बाय द अक्यूज बीइंग वायोलेटिव ऑफ सेक्शन थर्टी फाइव ऑफ द पॉक्सो एक्ट उस केस में हाई कोर्ट ने क्या काउंटर अग्रीमेंट आर्ग्यूमेंट ऑफ द ए पी पी दैट एज दूज डिड नॉट चैलेंज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन कैनॉट चैलेंज ऑर्डर further, it was observed that special court can record evidence after 30 days and the only rider provided by section 35 is that reason for the delay should be recorded. Malak, din ke baad bhi evidence record ho sakte, but then you have to give the reasons in writing to special court. medical and forensic evidence child sexual abuse is rarely diagnosed merely on the basis of uh, physical examination the scars or the bruises on the body of the victim are not found either because the case are not immediately reported ya to case immediately report nahi hota isliye wo marks ya scars scars or the sexual abuse does not result in such injuries in case of pintu versus state of up The conviction of the accused under Section 77 of IPC and Section 6 of the POCSO Act was set aside, and one of the reason was that no mark of external injury around the anus of the victim. And Allahabad High Court opined that in case of sexual assault on a boy of 7 year old by a person aged 23, there should have been some kind of external injury. अभी ये इन्जरी क्यों नहीं आती है मेडिकल एक्सामिनेशन में क्योंकि विथिन डी टाइम या इम्मीडिएटली वो रिपोर्ट ही नहीं किया जाता है तो तब तक वो कार या वो इंजरी के मार्क्स नहीं रहते द केस ऑफ स्टेट एन सी टी ऑफ डेली वर्सेज अनिल टू थाउजेंड सिक्सटीन द ट्रायल कोर्ट एंड द डेली हाई कोर्ट एक्विटेड दैट द दूज फ्रॉम द चार्जेस अंडर पॉक्सो वो अक्यूज को हटा दिया गया चार्जेस में उसको फ्री कर दिया गया ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स क्यों क्योंकि द जो विक्टिम है रेफ्यूज हर इंटरनल मेडिकल एग्जामिनेशन उसने रेफ्यूज कर दिया जब उसको हॉस्पिटल में लाया शी रेफ्यूज फॉर इंटरनल मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल रिपोर्ट्स में आए कि उसका मैंस्ट्रल साइकिल रेगुलर था एंड हैंस हर क्लेम दैट शी हैड गॉटन प्रेगनेंट ड्यू टू फिजिकल रिलेशनशिप हैड फेल्ड मोर ओवर नो प्रूफ ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन वॉज प्रोवाइडेड टू हर देर वर नो इंजूरीज ऑन हर बॉडी तो इस पॉइंट्स को देख के अक्यूज को फ्री किया गया था फ्री फ्रॉम ऑल द चार्जेस अब लास्ट पॉइंट है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कवर्ड इन द पॉक्सो एक्ट ऑफेंस का नाम सेक्शन और पनिशमेंट पेनीट्रेटिव सेक्शुअल असल्ट आन अ चाइल्ड ऑफ एज सिक्सटीन टू एटीन ईयर्स ऑफ एज सेक्शन फोर मिनिमम इम्प्रिजनमेंट है टेन ईयर्स विच में एक्सटेंड टू लाइफ प्लस फाइन अगर बिलो सिक्सटीन ईयर है तो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ ट्वेंटी ईयर्स विच में एक्सटेंड टू लाइफ प्लस फाइन एग्रीवेटेड पेनीट्रेटिव सेक्शुअल असोल्ट है सेक्शन सिक्स ऑफ पनिशमेंट ये था सेक्शन थ्री ये है सेक्शन फाइव यहाँ पे है इम्प्रजनमेंट ऑफ ट्वेंटी इयर्स विच में एक्सटेंड टू इंप्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ प्लस फाइन और डेथ सेक्शुअल असॉल्ट सेक्शन एट इम्प्रिजनमेंट ऑफ थ्री टू फाइव ईयर्स प्लस फाइन एग्रेवेटेड सेक्शुअल असल्ट सेक्शन टेन इंप्रिजनमेंट ऑफ फाइव टू सेवन ईयर्स प्लस फाइन सेक्शुअल हरासमेंट सेक्शन ट्वेल्व इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड अप टू थ्री ईयर्स प्लस अ फाइन क्शन थर्टीन सेक्शन फोर्टीन में फर्स्ट कॉन्विक्शनमेंट एक्सेंडिंग अप टू फाइव इयर्स सेकेंड ऑफ फर्दर कॉन्विशन इंप्रिजनमेंट एक्सटेंडिंग अप टू सिक्स सेवन ईयर प्लस फाइन यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी वैल कमिटी एंड ऑफेंस अंडर सेक्शन थ्री मतलब पेनीट्रेटिव सेक्शल असल्ट भी है और पोर्नोग्राफी भी है तो फाइन इज अंडर सेक्शन फोर्टीन टू पनिशमेंट है उसका यह पनिशमेंट क्या है सेक्शन मैक्मम सॉरी मिनिमम इम्प्रजनमेंट अप टू टेन ईयर्स एक्सटेंडिंग टू लाइफ प्लस फाइन यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी वेल कमिटिंग ऑफेंस अंडर सेक्शन फाइव रिग्रेस इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ प्लस फाइन क्योंकि अग्रे, क्योंकि इसमें एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्शल असोल्ट हुआ है Pornography purpose plus committing offense under section 7, well, sexual assault, imprisonment of 6 to 8 years plus fine. Pornographic purpose plus aggravated sexual assault, imprisonment of 8 to 10 years plus fine. Offense of storing pornographic material involving a child for commercial purpose, section 15, imprisonment extending up to 3 years or fine or both. So these were the few fines of uh, initial. Sections of the Act and uh, for the later sections like reports and all the procedure part, I have already given the fines in the section itself. So, only for the sexual abuse provisions, I have given the fines, the punishments in the table format. So, all the points are covered. Let's uh, see the synopsis again. We have covered the history, the need, the object of the Act, the scope of the Act, the title of the Act, sexual offense against children, section 3 to section 12. Using children for pornographic purpose, section 13, punishments in 14 and 15, abatement of an attempt to commit an offense, section 16, 17, 18, procedure for reporting case, section 19 to 23, procedure for recording statement, section 24 to 27, special code 28 to 32, procedure 33 to 38, and also in these I have covered various case laws. You can direct, directly mention the case law which will help you in the Getting more marks in the examination, punishments were given in the table format. So I hope you understood the topic. Thank you.